काजू कतली बनाने के लिए हमें चाहिए 150 ग्राम चीनी और 250 ग्राम काजू। काजू को अच्छे से धो करके हम ग्राइंडर में पीस लेंगे। मैंने काजू को अच्छे से धो लिया है, अब इसे हम ग्राइंडर जार में डालेंगे। अब हम इसमें 3 टेबलस्पून पानी डालेंगे। फिलहाल हम सिर्फ 3 टेबलस्पून पानी डालेंगे, आगे और ज़रूरत पड़ने पर हम और पानी डालेंगे। अब चलिए इसे ग्राइंड कर लेते हैं। मैंने 2 मिनट ग्राइंड किया है, लेकिन अभी भी थोड़ा सा ड्राई लग रहा है, तो मैं इसमें 2 टेबलस्पून पानी और डालूंगी। मैंने काजू का स्मूथ पेस्ट बना लिया है। पहले हमने इसमें 5 टेबलस्पून पानी डाला था, लेकिन बाद में मुझे और पानी की ज़रूरत लगी तो मैंने 6 टेबलस्पून पानी और डाला, तो हमने टोटल 11 टेबलस्पून पानी यूज़ किया इस काजू का पेस्ट बनाने में। पूरा काजू इस पैन में निकाल लिया है। अब हम इसमें चीनी डालेंगे और दोनों को अच्छे से मिक्स करेंगे। काजू का पेस्ट थोड़ा थिक होने लगा है, हम इसी तरह से लगातार चलाते हुए इसे पकाते रहेंगे। इसे पकाते हुए लगभग 20 मिनट हो चुके हैं, तो अब हम इसमें 2 टेबलस्पून घी डालेंगे। घी को काजू के बैटर में अच्छे तरह से मिक्स करेंगे जब तक पूरा घी अब्सॉर्ब ना हो जाए। काजू कतली के इस डो को पकाते हुए मुझे लगभग 23-24 मिनट हो चुके हैं। बस 1-2 मिनट और मुझे पकाना है, उसके बाद ये पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। तैयार हो जाए।
आंच पर 25 मिनट लिए पकाया है। अब गैस बंद कर दें। अब हम इस डो को लगातार चलाते हुए 2-3 मिनट तक ठंडा करेंगे। लगातार चलाने से जल्दी ठंडा भी हो जाएगा और इस पर पपड़ियाँ भी नहीं तलेंगी। काजू कतली को रोल करने के लिए मैंने ये 5 किलो की एक पॉलीथीन ली है। मैं इसके एंड्स को कट कर लूँगी और साइड्स को भी। अगर आप बटर पेपर पर काजू कतली को रोल करेंगे तो वो बटर पेपर में चिपक सकता है, इसलिए पॉलीथीन ही बेस्ट ऑप्शन है काजू कतली को रोल करने के लिए। अब हम काजू कतली के डो को इस पॉलीथीन की एक साइड पे रखेंगे और दूसरे साइड से इसको ऊपर से कवर कर देंगे। आपको जितनी थिकनेस चाहिए उस हिसाब से आप इसे रोल कर सकते हैं। कतली को 1/2 सेंटीमीटर थिकनेस में रोल कर लिया है। अब मैं इस पर सिल्वर लीफ लगाऊंगी। ये टोटली ऑप्शनल है, आप चाहें तो लगाएं, चाहे तो ना लगाएं। अब मैं किनारों को बराबर कर लेती हूँ। अब मैं काजू कतली को स्ट्रिप्स में कट कर रही हूँ। आप अपने इच्छानुसार कोई भी आकार में कट कर सकते हैं, जैसे स्क्वायर शेप या डायमंड शेप, या मार्केट में जो कुकी कटर्स आते हैं हार्ट शेप, लीफ शेप, इससे भी आप इसे कट कर सकते हैं। सेट होने के लिए छोड़ दूंगी। मैंने थोड़ी सी डार्क कंपाउंड चॉकलेट को मेल्ट कर लिया है। काजू कतली को मैंने फ्रिज में रखा हुआ था ताकि इस पर हमारी चॉकलेट जल्दी से सेट हो जाए। इस तरह से हम इस पर चॉकलेट ड्रिजल करके इसको कोट कर सकते हैं। चॉकलेट में डिप करके भी कोट कर सकते हैं। एक्सेस चॉकलेट को हम टैप करके हटा लेंगे।
इस तरह से सारे काजू कतली पे हम चॉकलेट की कोटिंग करेंगे। गार्निशिंग के लिए मैंने यहाँ बारीक कटे हुए पिस्तों का यूज़ किया है, ये भी टोटली ऑप्शनल है। हमारे चॉकलेट काजू कतली तैयार हैं। हमारी दोनों काजू कतली तैयार हैं। चॉकलेट काजू कतली को मैंने फ्रिज में रखा था, इसलिए पूरी तरह से सेट हो गई है। और इस काजू कतली को अभी मैंने फ्रिज में नहीं रखा है, इसलिए अभी पूरी तरह से सेट नहीं हुई है।